गाइस बात कर लेते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एथिक्स प्रिंसिपल होते हैं जो कंपनी एक फॉलो करती है सो दैट उसका बिजनेस जो है प्रॉपर चले। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं नाम कॉरपोरेट गवर्नेंस, नाम से हमें पता चल रहा है कॉरपोरेट मीन्स कंपनी, गवर्नेंस मीन्स को गवर्न करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस मीन्स रूल रेगुलेशन, सेट ऑफ कंडक्ट और जो भी हम उसको कह सकते हैं कि कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस जब फॉलो किया जाता है तो बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से हो जाती है, बढ़ जाती है, फेयरनेस हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। सो यही है कि अगर कोई कंपनी है जो को प्रॉपर अपने बिजनेस में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी तो क्या होगा, जो शेयर होल्डर हैं वो अच्छे से कंपनी के ट्रांसपेरेंसी को देख पाएंगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, जो भी स्टेक होल्डर हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं वो अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कंपनी जो है अपना रिस्क जो है अच्छे से मैनेज कर सकती है अगर वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करे। ठीक है, प्रॉपर जो है अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबल लेगी वो अपने सभी जो उसने वो कंपनी जो सभी वर्क कर रही है, जो सभी टास्क कर रही है उसके लिए वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होगी। सो यही होता है कि उससे क्या होता है कॉर्पोरेट, जब हम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चलती है कंपनी तो वो प्रॉपर फ्लो में चलती है और अपनी सभी काम करने के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होती है और सभी के लिए वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होती है और रिस्क भी अच्छे से मैनेज करती है, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थैंक यू सो मच।